नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिस पर हम सभी सोचते हैं कि हमारा अंतिम क्वेश्चन भी यही है, क्या हम भगवान हैं या नहीं। तो आज मैं उसी के बारे में ये वीडियो लेकर आई हूँ और आपको उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। सभी जानते हैं कि हमारी सृष्टि की संरचना करने वाले भी भगवान हैं, लेकिन यदि भगवान हैं तो हमारी सृष्टि पर बाधाएं, परेशानियां, भगवान के अस्तित्व को लेकर हमारे दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि यदि धरती पर भगवान हैं तो लोगों के पास संकट और समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि यदि भगवान होते हैं और क्योंकि संरचना करने वाले ही वही हैं तो इन समस्याओं का समाधान भी वही कर सकते हैं। ये इसलिए सबके मन में थिंकिंग है कि अगर भगवान हैं तो वह भगवान होने के बाद भी लोगों के पास समस्याएं और परेशानियां क्यों हैं? तो ये इसलिए भी है क्योंकि लोगों की समस्याएं और परेशानियां उन्हीं के कर्मों के कारण होती हैं। क्योंकि भगवान ने स्वर्ग से तो बनाकर भेज दिया आप लोगों को 5 तत्वों से बनाकर, लेकिन उन 5 तत्वों में पूरा जीवन आपकी ही संरचना बना देता है। जैसे हमें मरने के बाद हमें मिट्टी के रूप में ही परिवर्तित होना है, मिट्टी की आकृति में बने हुए हम लोग मिट्टी में ही परिवर्तित होके ही चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी सच्चाई है हमारे जीवन की, हमें मिट्टी ही है और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान ने जो बनाकर भेजा है 5 तत्वों से मिलकर बनने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं और हमारे दिमाग में भी यही चलता रहता है कि मान यदि भगवान है तो उनका अस्तित्व हमें कैसे मिलेगा और उनके अस्तित्व के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। लोगों का सोचना तो सही है क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना तो की, रचना करने के बाद लोगों की विलासताएं और इच्छाओं की पूर्ति होती गई। सभी का मानना है कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई थी तो उस समय किसी के भी मन में मोह, लालच और कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोगों में जनसंख्या में वृद्धि होने लगी उसी के मुताबिक लोगों में लालच, वासना और मोह बढ़ने लगा। उसके साथ साथ उन लोगों में अपनी ही विरासता बढ़ने लगी और जिस कारण से उन्हें अपनी ही सोच पर और अपने ही जीवन पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ा कि हमारे जीवन का क्या महत्व है। और जीवन का महत्व होने के साथ साथ हमें कैसे पता चलेगा कि जीवन का क्या महत्व है और उसे हम कैसे जान सकते हैं? यदि हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को अंदर से झांकें ताकि हमें अपने आत्मा की शुद्धिकरण की जा सके। यदि हमारी आत्मा शुद्ध है और हमने कोई पाप नहीं किया है तो हम भगवान से सीधे ही मिल सकते हैं। यदि हम पाप करते हैं और निर्दयी हैं तो उसके कारण हमें कभी भी कोई सुख नहीं प्रदान होगा और भगवान तो दूर की बात है और अस्तित्व के लिए सिर्फ हम अपने ही मन को और आत्मा को देख सकते हैं। तो यह है भगवान का अस्तित्व जो हमें ही मिलता है, कहीं और ढूंढने से नहीं मिलता। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।